हेलो गाइस, सो आज मेरे नीट का रिज़ल्ट आने वाला है। सो आई डिसाइडेड कि मैं आज इस बार रिज़ल्ट नहीं देखूंगी, बिकॉज़ आई नो माय मार्क्स दैट व्हाट आई एम, मुझे कितना आने वाला है और ये सब। बट रात के 9 बजे व्हेन आई एम एट माय रूम, माय फादर के किसी मेरे फादर के किसी फ्रेंड ने पापा को कॉल किया और पूछा कि बेटी का क्या रिज़ल्ट आया। सो वहाँ से पूरी कायनात बदल गई एंड ऑल आर लाइक, पापा केम टू माय रूम एंड मॉम आल्सो केम। सो ऑल आर लाइक, बट रिज़ल्ट आ गया, देखो कितना आया। सो मैं देख चुकी थी अपना रिज़ल्ट, बट आई डोंट नो व्हाई मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। व्हेन आई सी माय फादर्स फेस आई एम लाइक, मैं नहीं फेस कर सकती। इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी हार्ड जब आप बहुत मेहनत करके करते हो और तब भी आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आए, तो बहुत अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। यस, आई हैव अटेम्प्टेड नीट बिना पढ़े, बट एट दैट टाइम व्हेन आई सी रिज़ल्ट, नो रिग्रेट, नथिंग इन माय हार्ट। इट्स लाइक ठीक है ना, नहीं पढ़ा था, नहीं हुआ, बट आप जब पढ़ के कोशिश करके पूरी मेहनत करके आप एग्ज़ाम देते हो और रिज़ल्ट आपके हिसाब से नहीं आती है। आई एम स्कोरिंग अराउंड 482 लाइक दैट, एंड आई नो इट्स अ वेरी बैड मार्क्स एंड नॉट क्वालिफाइंग नीट। हुआ जैसा भी हुआ, व्हेन आई सॉ माय रैंक आई एम लाइक, मुझे नीट छोड़ देना चाहिए, मेरे से हो भी पाएगा या नहीं। And my father's and parents' reaction are like, three people are scoring 720 out of 720. वो कैसे पढ़ते हैं? I don't know वो कैसे पढ़ते हैं, but मैं जैसे भी पढ़ती हूँ, मैंने जैसा भी पढ़ा है, I scored little bad. And one thing also, मेरी पिछले बार से स्कोर इस बार कम ही हो गई, सबकी वैसे बढ़ती हैं स्कोर और मेरी कम ही हो गई। सो इसलिए भी मेरे पेरेंट्स थोड़े डिसअपॉइंटेड है, थोड़े नहीं बहुत डिसअपॉइंटेड है। आज धनतेरस का दिन है, बट ऑल आर लाइक, सबके चेहरे पे ऐसी ही उदासी सी है कि ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे फादर के, बिकॉज ही इज़ द वन जिनका सपना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू विल गेट योर आंसर। मेनी ऑफ यू आर आस्किंग दैट हाउ वॉज योर नीट रिजल्ट, सो आई रिकॉर्डेड दिस, होप यू लाइक दिस। थैंक यू।